आज हम उत्तपम की रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाता है, और इसमें क्या क्या पड़ता है आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। सो है गाइज, आज हम उत्तपम बनाने वाले हैं, जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है दोस्तों, हल्का फुल्का नाश्ता होता है। तो इधर जो हम रात में तुअर दाल और चावल फूलेंगे डाल चुके हैं, तो ये देख सकते हैं सुबह फूल के अच्छी तरह से रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद दोस्तों इसको दो तीन पानी से धो लेना, धो के अच्छी तरह से पीस लेना है। तो पीसने के बाद जो दोस्तों इसको एक बर्तन में खाली कर लेना है। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से पिसा चुका है दोस्तों, पूरा बारीक बारीक। और जो है पीसने के बाद इसको एक बर्तन में डालने के बाद, तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है दोस्तों, तो इस थोड़ी सी पानी डाल के पतला करेंगे। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया आटे, तो हल्का पतला करना है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए इतना पतला रखना है। तो अब जो इसमें हम डालेंगे दोस्तों प्याज, प्याज डालने के बाद डालेंगे टमाटर, उसके बाद टमाटर के बाद जाएगा इसमें हरी मिर्ची, और स्वाद के अनुसार नमक, सबको डाल के जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और नाश्ता में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है दोस्तों। तो चलिए सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा, खड़ा जीरा डालना है, उसके बाद इसमें धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डाल के अब जो फिर से इसको मिक्स कर लेना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको अच्छी तरह से। तो ये देखिए मिल चुका है। तो मिलाने के बाद जो है दोस्तों आप जो हम इधर तवा चढ़ाएंगे, ये देखिए तवा मेरा गर्म हो चुका है, इसमें हल्का सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं, और तेल डाल के इसको पतला करना है ढोसे की तरह, जितना हो सके उतना पतला करना है दोस्तों। तो ये देखिए पतला कर लिए हैं, आप जो गैस स्लो कर दिए हैं, तो गैस स्लो करने के बाद दोस्तों इसको देखिए एक साइड हो चुका, दूसरी साइड पलटी कर लेना है। तो ये देखिए क्या बढ़िया पक चुका है एक साइड और दूसरे साइड भी। तो कुछ देर के बाद जो दोस्तों इसको हमको निकाल देना है। क्या खा रहे? तो ये देखिए क्या बढ़िया बन के रेडी हो चुका है, सारा बनाना है। तो ये देखिए तो कुछ ही देर में मेरा बन के रेडी हो चुका है सारा उत्तपम, जो कि हरी चटनी के साथ बनाए हैं दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ये देखिए चटनी और उत्तपम दोनों साथ में ही है। अगर नाश्ता पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।